फाइट लड़ रहे हैं, हो सकता है आज आप घर में फाइट लड़ रहे हैं, आपके जॉब की फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं आ रहा। लेकिन आज आपको बिलीव करना है इन चीजों पर कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवनों में आशीष देगा, लेकिन उन लोगों की जिंदगी में जो लोग विश्वास के साथ बैठेंगे परमेश्वर काम करेगा। मैं एक छोटी सी गवाही आपको सुनाता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि जो युद्ध है वो हमारा कोई इंसान नहीं, परमेश्वर लड़ता है। तो आज आप जितने भी आपकी फाइट लड़ रही हैं, जितने भी आपके साथ फाइट चल रही है, हो सकता है शैतान आपके साथ फाइट कर रहा है, या आप खुद ही अपने दिमाग के साथ फाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं जीत जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा बिजनेस फलेगा, मैं ये काम करूंगा, लेकिन आज आप फाइट कर रहे हैं दिमाग के साथ कर रहे हैं या किसी के साथ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप सांसारिक युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन आज आपको फाइट मैं जीतना बताऊंगा, फाइट जीतते कैसे हैं। आप किसी भी प्रकार में फाइट लड़ रहे हैं, आज आप बेशक अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन आज के वचन के बाद आप जीतने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम उसके सीक्रेट जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम गवाही सुनेंगे जल्दी से। मेरा नाम वंदना है और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं बहुत लंबे टाइम से कैनेडा वीजा के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा कोई काम बन नहीं रहा था। लेकिन जब हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए तो हमने ईस्टर डे के दिन प्रॉफिट जी से अपॉइंटमेंट ली और स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई। मैंने उन प्रोफेसिस को रिसीव किया और अब मैं कैनेडा वीजा से ब्लेस हो चुकी हूँ। इसके लिए मैं सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। आप देख रहे थे कि ये बहन ने ले हैंड प्रे कराया और परमेश्वर ने इसको कनाडा की वीजे की आशीष दी। बहुत टाइम से बेचारी संघर्ष कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग दिया। इसका मतलब प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देता है। आपको विश्वास करना है। ये बहन विश्वास के साथ हरियाणा से वंदना और ये चंडीगढ़ में जब प्रेयर कराने के लिए आई तो आपके सामने स्क्रीन पर फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इसका विश्वास था और परमेश्वर ने चमत्कार किया। दो तरह के लोग हैं, जो ठीक हो जाते हैं वो आशीष देते हैं, जो नहीं ठीक होते वो गालियाँ दे के चले जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि परमेश्वर उनको आशीष दे, लेकिन दुख की बात यह है कि वो लोग समझ नहीं पाते इस बातों के लिए कि इन बातों के लिए समझना है कि आपको कि परमेश्वर विश्वास के बिना कुछ भी नहीं करता। चाहे वो इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन परमेश्वर विश्वास के द्वारा करता है। आप देखते हैं छोटा बच्चा, उसको जब ऊपर उछालते हैं तो उसी समय वो क्या करता है, वो हंसता है। लेकिन अगर आप बड़े बच्चे को उछालोगे तो वो कहेगा ओए मारेगा क्या, तो उसी समय उसको विश्वास नहीं होता कि जो उसको उछाल रहा है उसको पकड़ लेगा। छोटा बच्चे को विश्वास होता है कि यार ये उछाल रहा है मुझे और ये मुझे पकड़ लेगा, मेरे माँ बाप के मैं सही हाथों में हूँ। तो आपको बिलीव करना है कि आज मैं अगर प्रचार कर रहा हूँ तो, और आप जिस नाम को मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बात के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आपको बिलीव करना है कि वो आप सही हाथों में हैं, सही सुरक्षित हाथों में, परमेश्वर के हाथों में। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आज आपका उद्धार करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए हम अपने सिर पे हाथ रखें और इसी समय दुआ में जाएंगे। प्रार्थना करूंगा मैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जम्मू से, कश्मीर से, इस समय पंजाब से, ओ हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, इस समय पवित्र आत्मा यूपी बिहार से, इस समय कर्नाटक से, केरला से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जो हरियाणा से, इसी समय पंचकूला से, इस समय अम्बाले से, और इस समय राजस्थान से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, पवित्र आत्मा जी परमेश्वर जो पूरे पंजाब से देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वालों के लिए, आसाम वालों के लिए, और त्रिपुरा वालों के लिए, इसी समय पवित्र आत्मा विशाखापट्टनम वालों के लिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा नेपाल, पाकिस्तान और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, पवित्र आत्मा जर्मनी, कनाडा, हर एक कंट्री के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। जो इस समय पवित्र आत्मा वाच कर रहे हैं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में, आज पवित्र आत्मा किसी भी प्रकार की फाइट चल रही है आज इनके घर में, किसी भी प्रकार से ये युद्ध लड़ रहे हैं परमेश्वर, बीमारी से युद्ध लड़ रहे हैं कोई, पवित्र आत्मा सच में मौत से युद्ध लड़ रहा है परमेश्वर, किसी भी प्रकार से युद्ध लड़ रहा है मेरे पिता, आज से इनका युद्ध खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से इन्हें जीत मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। सच में जब ये तेरे का नाम को सुने इनकी जिंदगी में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में।